जितनी बार आता हूँ तो मुझे कॉफी और चाय बहुत लाजवाब यार सही में। सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो भाई आजकल रूटीन सेट हो रखा है, आजकल प्रॉपर जिम आया जा रहा है तो बस ऐसा ही रूटीन रहे। बाकी आज मैं लेट हो गया, आज मैं आया हूँ 9 बजे सुबह सुबह मैं उठ रहा था। मैंने सोचा यार पहले नींद पूरी कर लेता हूँ, क्योंकि नींद अगर पूरी नहीं होती ना तो एक्सरसाइज नहीं होती। तो फिलहाल तो रूटीन सही चल रहा है, अभी आगे आगे देखते हैं कितने दिन तक रहता है रूटीन। क्योंकि ठंड, मैंने आपको बताया ना कि ठंड के जो है उत्तराखंड में भाई ठंड पड़ रही है बहुत ही लाजवाब। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे शुरू कर लेते हैं, आज व्लॉग को हम जिम में ही स्टार्ट कर लेते हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त विकेट सनी। तो भाई जल्दी जल्दी एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद घर चलते हैं और फिर व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। अभी देखो ठंड में मैं कोट वोट पहन के आ रहा। सो भाई एक्सरसाइज करके मैं आ चुका हूँ शहजाद भाई के शॉप पे, क्योंकि भाई मेरी शेव देखो कितनी बड़ी बड़ी हो रही। और अभी मैं शेव कटाऊंगा नहीं, शेव मुझे छुट्टी नहीं करवानी है क्योंकि शेव बढ़ा रहा हूँ मैं। अब फिलहाल इसकी सेटिंग करा लूँगा, थोड़ी बहुत सेटअप करवाएंगे, इसका फिनिशिंग टच फिनिशिंग करवा लेंगे, ठीक है। बाकी जिम विम करने के बाद आज थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि लेट ही गया था तो लेट हो गया। कोई नहीं, चलो अब अपना शेव करवाते हैं सेट, फिर उसके बाद नहाते धोते हैं और तैयार होते हैं। फिर मुझे हाँ अपनी बाइक भी धुलवाने जाना है, बाइक धुलवाने जाऊंगा। सबसे पहले बाइक गंदी हो रही है वो धुलवाऊंगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे जो भी कुछ है। काफ़ी दिन बाद आना हुआ है अपना ऑफिस पे, क्योंकि और यार मैं आज बहुत परेशान हो गया, एक चीज़ से बहुत परेशान हो चुका हूँ। पता है क्या भाई, परेशान हो एक चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया गाइस, मौसम से। भाई मौसम की वजह से ना मेरे 3-4 काम नहीं हो पा रहे और मैं बहुत ही परेशान हो गया यार। अब मौसम जो है देख रहा हूँ आप, अभी भी धुंध पड़ रखी है, ठीक है। और धूप में 2-4 काम है मेरे जो कि कंप्लीट करने हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, सिर्फ मौसम की वजह से रुके हुए और लेट हो गए। तो इस वजह से बहुत दुख हो रहा है। और आज ऑफिस पर भी मैं काफ़ी दिन बाद आया गाइस, क्योंकि यार मैं आ ही नहीं रहा था, इधर उधर अपने कामों में लगा हुआ था, तो ऑफिस पे भी आना नहीं हो रहा था। तो आज है बहुत दिन बाद ऑफिस पे। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। भाई गाइस मैट भाई आए हुए हैं आज ऑफिस पे, मैट भाई से मिले आज, बहुत दिन बाद आया मैं भी। अच्छा जी, हाँ आज काफी दिन बाद आया मैट भी। तो वही अभी मैट बैठा हुआ था और ये ज्यूस मलिक भी हमारे सामने आ चुके। ये होता है देखो बिरादरी बाद, बैठे नहीं तुम पास बिरादरी बात कर रहे हो, ज्यूस मलिक, ज्यूस मलिक है क्या बिरादरी। अभी जो तुम्हारा वो था मैकेनिक, उसका बताओ जरा तुम्हारे मैकेनिक क्या करते हैं मलिक। हाँ जनता जनार्दन, नहीं जो मलिक मिस्त्री है, मलिक मोटर्स। हाँ मलिक अच्छा, मोटर्स वाले भाई जो अच्छा मिस्त्री होगा वो, अगर आप कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी बाइक या कार में, वो तुरंत बता देंगे ये प्रॉब्लम। फिर उसके बाद जब आप उससे सर्विस कराने जाओगे ज़्यादा पैसे बता देगा। वीडियो की बात ना किसी भी बाइक की। ओ भाई उत्तराखंड की जो फिलहाल ठंड पड़ रही है ना भाई, बहुत खतरनाक ठंड पड़ रही है उत्तराखंड में। और भाई आज है day 2, कल भी व्लॉग पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया मेरा। अनस भाई और मैट आ गए थे तो उनके साथ में बैठा रहा, बात करते रहे, शाम हो गई। शाम होने के बाद फिर घर चला गया, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी कल भी टाइम नहीं लगा। तो अभी फ़िलहाल मैं गाइस day 2 है ये, और रेडी वेडी होके मैं जा रहा हूँ। रेडी क्या हुआ, आज मैं जिम से आने के बाद डायरेक्ट जा रहा हूँ अपनी कार की सर्विस करवाने है। आज मुझे अपनी कार की सर्विस करवानी है, कल मुझे करवानी थी कल, लेकिन इसके कुछ पार्ट्स वगैरह थे वो नहीं मिल पाए थे, ऑयल फिल्टर और डीजल फिल्टर वगैरह जो नहीं मिल पाए थे मुझे ओरिजिनल। बाकी अभी जा रहा हूँ मैं फारूक भाई के वर्कशॉप पे, जहाँ पर मुझे सर्विस करवानी है अपनी गाड़ी की। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे सर्विस करवा रहा हूँ मैं, तो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पे सर्विस करवाने का। बाकी कह रहे हैं कि मेरे पास जो जितने भी पार्ट्स हैं शेवरले के, तो वो जेन्युइन पार्ट्स हैं, तो इस वजह से मैंने कहा यार ठीक है यहीं पर करवाते हैं सर्विस। तो देखते हैं गाइस, करवाते हैं सर्विस, ठीक है, और देखते हैं क्या रिस्पांस रहता है यहाँ का। फाइनली गाइस आ चुके हैं हम भाई सर्विस करवाने के लिए, और हमने फिलहाल गाड़ी अपनी लगा दी, और भाई हैं जो सर्विस कर रहे हैं। भाई का नाम सावेज, सावेज भाई, सावेज भाई मेरे ब्लॉग देखते रहते हैं। सावेज भाई कह रहे भाई देख रहे हैं आपके ब्लॉग, हर एक भाई ये भी है यहाँ पे,
जो कि अभी कुछ काम नहीं कर रहा। रहने दे यार, रहने दे। तो भाई अभी गाड़ी लगा दी भाई, जो इसमें मैंने पहले तेल डलवाया था वो बहुत जबरदस्त था। नहीं, इससे बेटर मिलेगा आपको, डोंट वरी। वाओ, ब्यूटीफुल। हाँ, अब की बार भाई कह रहे कि उससे बढ़िया तेल डाल लेंगे गाड़ी में हम। और इस बार जो मैंने सर्विस करवाई थी उसका रिस्पांस अच्छा था, लेकिन इस बार अब की बार देखते हैं कि रिस्पांस कैसा रहता है। बाकी मुझे फारूक भाई पे पूरा ट्रस्ट है, क्योंकि फारूक भाई अपने हैं पुराने आदमी, तो उन पे है पूरा ट्रस्ट। इसलिए मैं फारूक भाई के पास ही आया सर्विस करवाने के लिए, कहीं और गया नहीं। ठीक है, बाकी गाइस अभी चल रही है सर्विस, सर्विस वगैरह करवा लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं जैसा भी कुछ रहेगा सीन। नीचे मार के गाइस, ये देख रहे हो आप, एयर फिल्टर है ये पूरा चौक हो चुका है इसका, तो ये डलवा दिया अभी फ़िलहाल हमने अंदर। इस भाई ने डाल दिया, जो कुछ नहीं कर रहा उसने डाल दिया। तो अभी एक ऑयल फिल्टर रह गया है, वो ऑयल फिल्टर डलवाते हैं, अभी ढूंढ रहे हैं फारूक भाई। तो भाई गाइस, ठंड इतनी हो रही कि हमने चला लिया हीटर, और हीटर में बैठे अभी अपना आराम से, और ये खड़े अपने गौतम भाई इधर। और उधर फारूक भाई गए हुए, फारूक भाई आजकल कर रहे हैं डाइटिंग, सामान वामान ढूंढ रहे हैं वहाँ ऊपर वर्कशॉप में, तो आजकल डाइटिंग कर रहे हैं वो। गाड़ी उधर खड़ी हुई है, अभी सिर्फ और सिर्फ ऑयल फिल्टर रह गया हमारा लाना, वो लगाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं जो भी कुछ है वो देखो। वो है फारूक भाई, फारूक भाई हाथ हिला दियो जरा, ये स्मार्टी। डाइटिंग ड्यूटिंग कर रहे हैं आजकल है। ये देखो गाइस, ये स्मार्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि फारूक भाई ये काम छोड़ के अब मॉडलिंग शॉटलिंग में लगेंगे। क्यों भाई गौतम भाई? मैंने कहा मॉडलिंग शॉटलिंग में लगेंगे। अभी फारूक भाई डाइटिंग अभी बता रहे थे कि भाई मैं डाइटिंग वाइटिंग कर रहा थोड़ा। मैंने कहा चलो डाइटिंग तो करना अच्छी बात है भाई, बढ़िया यार, फिट रहना चाहिए। अब भाई चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम यहाँ होता रहता है। ये आ गई अब मेरे लिए कॉफ़ी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पी थी चाय, अब कॉफ़ी आ गई, कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं अब। थिंग तो खैर होती है गाड़ी की। ऑयल कितना डलेगा भाई इसमें? साढ़े पाँच डले। अच्छा, तो वही गाइस लास्ट प्रोसेस रह गया अपना ऑयलिंग वगैरह का, ऑयल डल रहा है इसमें। अब ये मैंने सबसे बेस्ट वाला इसमें मोबिल ऑयल डलवाया है, मोबिल सुपर 5W30 सिंथेटिक, और ये सबसे बेस्ट है, ये सर्दी में जमता नहीं है। बाकी फिर उसके बाद वॉशिंग वगैरह होगी गाड़ी की और सर्विस हो जाएगी डन। ये भाई जितनी भी बार आता हूँ तो मुझे कॉफ़ी और चाय, बहुत लाजवाब यार सही में। Thank you, sir. बहुत ही लाजवाब बना के पिलाते हैं कॉफ़ी वगैरह। बाकी अपनी गाड़ी का थोड़ा सा वर्क रह गया, मतलब वॉशिंग चल रही है अभी, वॉशिंग कंप्लीट, फिर अपना काम कंप्लीट उधर भाई। और इधर अपने स्मार्ट भाई फारूक भाई, फारूक भाई आजकल अपना वेट कर रहे हैं कम, और ये दोबारा से जवानी में जाने के लिए रेडी है भाई फारूक भाई। वेट कम चल रहा है आजकल, डाइटिंग चल रही है पूरी। ये देखो मैं पूरा लुक दिखा दूं फिलहाल इनका, ये देखो वैसे पहले से आपका काफी वेट कम हो गया। ये यूं भी करके दिखा दो बॉडी एक बार। बहुत बहुत, हाँ पहले पहले तो काफी हैवी थे क्योंकि ब्लॉग में हो ना पहले भी तुम। हाँ, तो अब तुम बिल्कुल फिट लग रहे। तो भाई अपनी गाड़ी लग गई अपनी उधर वॉशिंग के लिए, और अब लास्ट है ये इसका प्रोसेस, वॉश होगी। पहले हवा वगैरह मार रहा है भाई इसके अंदर, पूरी जो क्लीनिंग वगैरह होगी ना, ये देखो मैंने इसे कहा मैंने भाई जंगली कबूतरी बना दे हैं। जंगली कबूतरी बना दिए। तो भाई अभी वॉश हो गई, तो अपना बढ़िया है यहीं अपना सर्विस करवाई, उसके बाद यही वॉश वगैरह करवा लो पूरी कंप्लीट ना, यहीं के यहीं हो जाएगी गाड़ी। आप यहीं पे आओ सर्विस करवाने, सर्विस वगैरह करवाई और इधर अपना वॉश पे लग गई। और ये देख लो मोबिल कार केयर डायमंड
मोटर्स। अभी फिलहाल वो उधर से इग्नोर करना, केयर का सी मिटा हुआ है, मोबिल कार केयर है डायमंड मोटर्स, इधर सर्विस करवाओ और इधर लगवा लो धुलाई पे, अपना काम कंप्लीट। बाकी स्मार्ट आदमी आपको यहाँ मिल जाएगा अपने फारूक भाई। अरे नहीं फारूक भाई, मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ। उधर अपने गौतम भाई भाई, वो भी आदमी अलग ही है, अलग ही लेवल का आदमी है वो भी। बाकी गाइस आप आओ भाई के पास और बढ़िया मिलेगा आपको यहाँ पे सब कुछ, प्रोग्राम अपना गाड़ी वाड़ी का जितना भी वर्क है ना सारा बढ़िया मिलेगा। ये इसे भी तो दिखा दूँ, इसे तो दिखा दूँ खाने में क्या लाया था भाई आज। फॉर्म वॉश चल रही गाड़ी की फिलहाल। बर्फ पड़ गई भाई गाड़ी पे हैं सर्दी के मौसम में। फाइनली गाइस सर्विस डन हो चुकी है अपनी पूरी एक्यूरेट और गाड़ी भी धुल धुल के अपना चकाचक एकदम फर्स्ट क्लास हो गई। बाकी भाई को अब गौतम भाई से अलविदा लेते हैं, फारूक भाई तो चले गए घर काम से, ठीक है भाई। तो पैसे वैसे तो मैं दे नहीं रहा, रहने दे यार, रहने दे, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, मिलता है, ठीक है। सो फाइनली गाइस अपना काम डन हो चुका है, अभी चलते हैं घर। और मेरे पास अभी कैश नहीं था, एटीएम मशीन से निकलवाता हूँ और ले जाता हूँ, यार असल में मेरे पास कैश नहीं था। गाइस अपना काम डन हो चुका, सर्विस वगैरह डन हो गई और भाई की पेमेंट वगैरह भी मैंने कर दी है। और सर्विस सही में इन्होंने बढ़िया करी है सर्विस, और भाई बहुत ही तरीके से करी है इस बार, मुझे काम बहुत पसंद आया इनका। बाकी देखते हैं चला के क्या रिस्पांस रहता है, फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी जा रहा हूँ घर, मुँह दूंगा नया नहीं आज मैं, मुँह वगैरह दूंगा अपना और फ्रेश होके फिर मिलता हूँ आपसे। सो गाइस मैं आ गया था घर और भाई आते ही मैं सो गया था, मुझे आ गई थी नींद क्योंकि पूरे दिन से थका हुआ था मैं, पूरे दिन से आज कार की सर्विस ही करा रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने सोचा था 2-3 घंटे में हो जाएगी लेकिन पूरा दिन ही लग गया। तो मैं घर आ गया था और अब एडिटिंग करूँगा अपने ब्लॉग की ताकि आप लोग कल देख सको, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।